लक्ष्मीकांत की वीडियो 20 में आज हम बात करने जा रहे हैं अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी वो ऑर्डिनरी लॉ भी बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रिपेयर कर रही थी। ठीक है, उसके साथ साथ इसने चार पाँच काम और भी किए, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो असेंबली ने मई 1949 में, ठीक है, बोला कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे। क्या कहा? कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे। ठीक है, कब बोला? मई 1949 में। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को। ठीक है, तो नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 में, और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया कब? 24 जनवरी 1950 को ही। ओके, तो 24 जनवरी 1950 को देश के पहले प्रेसिडेंट जो थे वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी इलेक्ट किसने किया गया था? वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा इलेक्ट हुए थे। ओके, तो इसके आगे इस संविधान को बनाने के लिए समय कितना लगा? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो समय लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ओके, तो टोटल खर्चा हुआ 64 लाख का। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का फाइनल सेशन था, और 26 जनवरी 1950 के बाद भी इसने एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट काम किया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कब तक ये काम किया? जब तक नई पार्लियामेंट नहीं बन जाती। तो नई पार्लियामेंट कब बनी? ये जनरल इलेक्शंस हुए 1951 में, 52 के बाद एक पार्लियामेंट बनी। ठीक है, उसके तब तक जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट काम किया। ओके, तो इस वीडियो में हमने फ्रेंड्स बात की अदर फंक्शंस ऑफ जो परफॉर्म किए थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने। ठीक है, तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कमेटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, तो ये जो हमने बात की है SSC JKSSB बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्लैग को कब अडॉप्ट किया, ठीक है, नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम आगे भी वीडियो जो है वो कंटिन्यू बेसिस में लेकर के आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।